गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का अमल शुरू। अल्हम्ब्रा के सामने मॉल रोड पर दीवार से जंगला उतारने का अमल जारी और हथौड़ों से दीवारें लोहे के जंगले तोड़े जाने लगे। गवर्नर हाउस की दीवारें हिकमत अमली के तहत गिराई जाएंगी। गवर्नर हाउस की इमारत को गिराने का तासुर गलत है। इमारत में अजायब घर बनाना है या यूनिवर्सिटी, हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। गवर्नर चौधरी सरवर की गुफ्तगू। सर्दी आ गई, गैस चली गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। वाहदत रोड पर इलाका मकीन सड़कों पर आ गए नारेबाजी। खवातीन चूल्हे बेलने और आटे के पेड़े उठाकर ले आई। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। होशुबा महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रिक्शा ड्राइवरों ने प्रेस क्लब को चारों इतराफ से ब्लॉक किए रखा। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, अहम पेशरफ्त। लाहौर के सस्ते घरों के लिए 700 कैनाल अरासी की निशानदही। बेदिया रोड पर 106 कैनाल, मौजूद ढोलू कला में 387 कैनाल, खुर्दपुरा में 187 कैनाल अरासी की निशानदही। मुख्तस की गई अरासी की कीमत 50 करोड़ रुपए के लगभग। पीकेएलआई में फौरी तौर पर बच्चों के जिगर की पैमानकारी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ, हमें कौम से किया गया वादा वापस लेना पड़ेगा। चीफ जस्टिस, भारत वीजा नहीं देगा, चीन जाने की इस्तेदात नहीं है। अल्लाह ना करे इलाज ना हुआ तो ये बच्चे मर जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीकेएलआई पर 34 अरब लगा दिए मगर इलाज की सहूलत मयसर नहीं। इतने पैसों में तो 4 अस्पताल बन जाते। चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट में मंशा बम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने एलटीए महकमा रेवेन्यू और जिलाई हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है? चीफ जस्टिस का डीसी से इस्तफसार। पटवार खानों का मामला बाकी सूबों का भी है। एडवोकेट जनरल पंजाब का पटवार खानों से मुतालिक केस में बयान। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का तमाम सूबों को नोटिस, जवाब तलब। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबाह तय ख्याल। वजीर आला बलोचिस्तान से बुजदार कबीले के अमायदीन की भी मुलाकात। वजीर आला बलोचिस्तान को मसाइल से आगाह किया। जाम कमाल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से भी मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? 100 रोजा प्लान पर 10 दिसंबर को ऐवान इकबाल में तकरीब का फैसला। वजीर आजम इमरान खान तकरीब से खिताब करेंगे जबकि वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार पंजाब की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग देंगे। दुकानदारों के लिए 3 रोज की मोहलत खत्म। बांका मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। बाजारों में कायम खड़े और शख्स मिसमार। रावण के मोजा झुगिया में 50 कैनाल सरकारी अरासी का गुजार करती। डबल सवारी डबल हेलमेट आज की मोहलत। कल से चालान की तैयारियां। सेकंड सीटर मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट ना पहनने पर कार्रवाई होगी। साइड मिरर ना होने पर भी चालान होगा। खवातीन की हेलमेट पहनने से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अच्छे वक्त के लिए कड़वी गोली निकलना पड़ेगी। हमारे पास ऑप्शन है कि कर्जे लेकर हर शेय की कीमत आधी कर दें मगर उससे मसाइल खत्म नहीं होंगे। वफाकी वजीर फैसल बाग़ता की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में मुस्तरद होने वाले वोटों पर सबको तश्वीश है। सेनेट का वोट खुफिया राय शुमारी के जरिए नहीं होना चाहिए। गार्डन टाउन में वलीद इकबाल के एजाज में तकरीब। गवर्नर पंजाब की भी शिरकत। शरीफ फैमिली के अराकीन आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और खानदान के दीगर अफराद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल, नैप केसेस और पार्टी के मामला जेरे गौर आएंगे।
शहबाज शरीफ के मेडिकल चेकअप का मामला, नैब कब्ज का शिकार, 3 रोज गुजर गए ताहाल मेडिकल बोर्ड तश्कील ना दिया जा सका। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बहुत परेशान हूँ, लंदन में डॉक्टर्स बाकायदगी से चेकअप करते थे, शहबाज शरीफ के ब्लड टेस्ट में कुछ गैर मामूली अलामत जाहिर हुई हैं। तहमीना दुरानी का ट्वीट, मेडिकल बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इजहार तश्वीश। सराजुल हक की जेर सदारत जमात इस्लामी के मरकजी मजलिस आमला के इजलास का दूसरा रोज, मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती पॉलिसी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सर्विसेज अस्पताल में मरीजा से ज्यादती का इल्जाम गलत साबित, डीएनए रिपोर्ट में ज्यादती साबित ना हो सकी, रिपोर्ट से हकायक सामने आ गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी की हिदायत, अस्पताल के दौरे के दौरान भी मेडिकल कोट पहनना लाजमी करार, यूनिवर्सिटी हदूद में जीन्स शर्ट्स टी शर्ट चप्पल और सैंडल पहनने पर पाबंदी आए। महंगे डॉलर के आफ्टर शॉक, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, इतवार बाजार में भी टमाटर प्याज और दीगर सब्जियां महंगी हो गई, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का शादमान इतवार बाजार का दौरा। पैसे वसूल किए मगर इमारतों को लीगल नहीं किया, प्रेस क्लब के बाहर अंदरून शहर के रहायशियों का वॉल सिटी के खिलाफ एहतजाज, वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील। जौहर टाउन में 3 ब्लॉक इंतजामिया की गफलत का शिकार, इलाका मकी सरापा एहतजाज, बाग के मुनहदिम दीवार की जल्द तामीर का मुतालबा। गुलशन रावी फरीदिया रोड टूट फूट का शिकार, मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ियों का गुजरना महाल, रोड तामीर किया जाए, फरीदिया रोड के मकीन सराफा एहतजाज, नारेबाजी। अमन का पैगाम, मोटरसाइकिल पर पाख्ता का मॉडल सजाए, शोरकोट का रिहायशी मोहम्मद इस्माइल फैमिली के हमरा लाहौर पहुंच गया, दुनिया को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान पुर अमन मुल्क है, मोहम्मद इस्माइल। वैलेंशिया क्रिकेट ग्राउंड में सजा प्रीमियर सुपर लीग के दूसरे एडिशन का मैदान, राउंड मैचेस में आईसीआई पाकिस्तान और एक्जिनोपल की टीमों ने फतह अपने नाम कर ली। पहला चेयरमैन बॉब डायम में चोर, गोल्फ टूर्नामेंट अहमद बेग ने जीत लिया, लाहौर गैरिजन गोल्फ क्लब के अहमद बेग का स्कोर 215 रहा, चेयरमैन बाबडा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौमी खवातीन हॉकी चैंपियनशिप, पंजाब किलर्स ने आर्मी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, पंजाब किलर्स ने प्लंटी शूट आउट पर 1-2 से कामयाबी हासिल कर ली। एजुकेटर स्कूल के जेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद, रंगारंग तकरीब में बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। और जलानी पार्क में गुलदावती की सालाना नुमाइश, खुशनुमा रंगो महक के पूरे शहरियों की तवज्जो का मरकज, छुट्टी के रोज शहरियों का तांता बन गया।